नमस्कार सर। सबसे पहले एबीएन न्यूज चैनल में राजेश कुमार शर्मा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जिस तरह की हमने अपने न्यूज चैनल के जरिए शहर की कुछ महान हस्तियों को कहने का अभिप्राय, कुछ ऐसी हस्ती हैं जिनका समाज सेवा में अपना एक योगदान है, हम समय समय पर उन्हें अपने न्यूज चैनल में लाकर आपके रूबरू कराते हैं ताकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए समाज के प्रति उनका हम लाभ उठा सकें। तो आज उसी कड़ी के तहत हमारे एबीएन न्यूज चैनल रूम में डॉक्टर राजन छाबड़ा जी पधारे हैं, जो वर्तमान में डीसीडीएम स्कूल फाइल का में प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे। डॉक्टर साहब, आज इस कोरोना महामारी की आपाधापी में जहां पर लोग दिमागी तौर पर परेशान भी हैं, उसी कड़ी के तहत हमने आपको यहां पर बुलाया है। आपके जो क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आपका जो योगदान है उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताइए, आप कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में? मैं तकरीबन 30-35 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूं, जिसमें से 25 साल के लगभग एज प्रिंसिपल डीएवी स्कूल में मैं कार्य कर रहा हूं, और पिछले 6 महीने से डीसीडीएवी पब्लिक स्कूल फाजिलका में प्रिंसिपल के तौर पर ट्रांसफर हुई है मेरी, और अब यहां पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और मेरी क्वालिफिकेशन मैं बता दूं अपनी, मैं बीएससी मैंने डीएवी कॉलेज अबोर से की है, एमएससी और एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर करी है, उसके बाद बीएड, एमएड और पीएचडी इन एजुकेशन भी मैंने की हुई है। और मेरा हमेशा से ये अभिप्राय रहा है कि बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मैं दूं, अपने टीचर्स को भी मैं समय समय पर ट्रेनिंग देता हूं, और बच्चों के लिए खास तौर पर हम प्रयासरत रहते हैं कि उनको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन जो है वो दी जाए। डॉक्टर साहब, आपको भी फाइलका में आए लगभग 5-6 महीने हुए हैं। जब से आप फाइलका में आए और 1-2 महीने के बाद ये कोरोना महामारी का जाल फैला। कहते हैं कि जो अफसर या कोई भी प्रिंसिपल या किसी भी सरकारी जॉब का जो बंदा होता है हमारे फाइलका में जब जॉब करने आता है तो फिर वापस जाने का नाम नहीं रहता। आपके 5-6 महीनों में फाइलका की जनता के प्रति आपका क्या विचार है? कैसे लोग हैं, मिलनसार हैं, कैसे हैं, इसके बारे में? लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहां के अच्छे नहीं और यहां के अच्छे हैं, लोग सभी जगह के अच्छे होते हैं, क्योंकि जैसा मन होता है वैसे लोग नजर आते हैं। तो लोग तो यहां के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं 6 महीने से यहां पे कार्यरत हूं तो मेरे को मालूम पड़ा कि लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। जब भी लोग आते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, उनकी मैं प्रॉब्लम पूछता हूं, बच्चों की प्रॉब्लम पूछता हूं कि उनको क्या मुश्किल है, कहां पढ़ाई में उनको परेशानी आ रही है, तो जहां जहां उन्होंने बताया हमने पूरी अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट्स करी है कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन दी जाए, जहां प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, और समय समय पर पेरेंट्स के साथ मीटिंग करी है मैंने, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं। तो ये मिलजुल के एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हम रखेंगे, एक दूसरे के प्रति हम सिंसियरिटी रखेंगे, तो सब लोग मिलके जरूर कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे है आपके आने से काफी वर्ष पहले डीसीडीएवी का अपना नाम था शहर में, और बहुत पुराना स्कूल है, यहां से पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से कुछ सालों से कुछ ऐसा प्रचलन चला कि संख्या काफी कम हो गई, तो हम आशा करते हैं आपके मधुर स्वभाव से, आपके एक्सपीरियंस से आप इस संख्या को बढ़ाएंगे ताकि ये संस्था जिसका नाम एक आसमान की ऊंचाइयों पर था दोबारा लेके जाए, उसके बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? मेरा प्रयास तो हमेशा से ही ये रहा है कि जिस स्कूल में भी रहो वहां के लिए सिंसियर एफर्ट करो। यहां भी कई रीजंस हो सकते हैं उसके स्ट्रेंथ कम होने के, क्योंकि जिस समय ये स्कूल था, जब अकेला स्कूल था,
तो लगभग सबके लिए ये प्रेफरेंस थी। लेकिन जैसे जैसे नए स्कूल खुलते चले गए, जैसे जैसे हम ये कहें कि लोगों में अवेयरनेस आती गई, तो शायद लोगों का रुझान इस स्कूल से थोड़ा कम हुआ। लेकिन हमने भी बहुत एफर्ट करी है। अब सीबीएसई से पहले स्कूल पंजाबों से एफिलिएट था, अब सीबीएसई से एफिलिएट करवाया है, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस सीबीएसई के लिए ज्यादा। तो ये स्कूल पहले पंजाब बोर्ड से था, पंजाब बोर्ड से था, जिस वजह से मुझे लगता है कि लोग थोड़े पीछे हटे। लेकिन क्योंकि अब सीबीएसई से एफिलिएट हो गया है, वही बेस्ट एजुकेशन जो सभी सीबीएसई स्कूलों में, खासकर डीएवी स्कूलों में दी जाती है, वो यहां भी दी जा रही है। डीएवी के बारे में मैं खासतौर पर यहां बताना चाहूंगा कि डीएवी का अपना नाम है, 1885 से ये स्कूल चल रहे हैं। तब ये सोचा गया था डीएवी में स्कूल खोलते वक्त कि अगर हम अंग्रेजों से आजाद होना चाहते हैं, अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो उनके मुकाबले की एजुकेशन हम अपने बच्चों को दें। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इसके विद्यार्थी थे, डीएवी स्कूल लाहौर के। महात्मा हंसराज जी वहां के पहले प्रिंसिपल थे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी दिए हैं डीएवी ने, तीन तो प्रधानमंत्री दिए हैं डीएवी ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम लें, कपिल देव का नाम लें, कितने ऐसे महान शख्सियतें जो आई हैं वो डीएवी से आई हैं। और डीएवी का एक ही मकसद रहा है कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स एट द मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट, डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी जो है हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं, बच्चों को बेस्ट पढ़ाई की सहूलतें देना, उनसे कम से कम पैसे लेना। आज भी अगर कंपेयर करें तो डीसीडीएम की फीस लगभग सबसे कम है, और सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड की हो, चाहे कंप्यूटर्स की हो, चाहे इंटरनेट फैसिलिटी हो, इंग्लिश की क्लासेस हमने इस बार कहा है कि हम इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस क्लासेस लगाएंगे, बच्चों के कंपटीशन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। कोशिश ये है कि हम लोग लोगों से जुड़े, जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उनका विश्वास हम पर बनेगा और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं स्कूल में, डिसिप्लिन की काफी हम कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में डिसिप्लिन अच्छा हो जिससे लोग बच्चों की आदतें अच्छी हो, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो शुरू में तो सिखाई जा सकती है, एक बार आदतें बिगड़ने के बाद डिसिप्लिन सिखाना बड़ा मुश्किल है। तो शुरू शुरू में थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती का मतलब ये नहीं कि हम मारपीट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सख्ती का मतलब है बच्चों को समझाते हैं बड़े प्यार से कि अगर ये चीज नहीं करोगे तो इसका क्या नुकसान है। समझने से बच्चे समझ आते हैं, और हमारी एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे टीचर्स आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द एफर्ट जो आपने बात कही कि कैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो जब एक समय पे कोरोना की वजह से ऐसा लग रहा है सब कुछ ठप हो गया है, उस समय भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। सर, मैं आपके बीच में एक बात कर रहा हूँ, आपकी बातों में आप ऑनलाइन के बारे में विचार दिए, सरकार की पॉलिसी विचार दी स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराई, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक बच्चा मोबाइल पे या लैपटॉप पे इस स्टडी को अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर आप 100% कहें तो ये वाकई पॉसिबल नहीं है। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती, जैसे अगर लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है, लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन भी वर्क करता है। अब हम ये उम्मीद करें कि हर एक के पास स्मार्टफोन होगा, और स्मार्टफोन वो केवल बच्चा ही यूज करेगा, क्योंकि स्मार्टफोन मान लो घर में एक है तो पेरेंट्स ने भी यूज करना है, क्योंकि काम भी उसी के ऊपर आजकल लोग कर रहे हैं,
क्योंकि एक दूसरे से कांटेक्ट भी तो इसी मोबाइल के थ्रू है, बाहर आना जाना बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इन सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। हम कोशिश में अपनी कमी नहीं लाना चाहते, कितने लोग उसका फायदा उठाएंगे ये लोगों पर डिपेंड करता है, लोगों के पास कितनी फैसिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं। सर, शिक्षा से थोड़ा सा हटकर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। सारा दिन टीचर के साथ, बच्चों के साथ स्कूल में आप मेंटली तौर पर इतना थक जाते हो, क्या इसके अलावा अपने आप को बूस्टअप करने के लिए या अपने वो चुस्ती फुर्ती को अपने एक प्रेरणा रहे, स्टडी के अलावा आपके क्या शौक है, हॉबीज क्या? स्टडी के अलावा मेरा स्पोर्ट्स में शौक है, मैं बैडमिंटन भी खेलता हूं शाम को, और क्रिकेट भी मेरा शौक है। बचपन में भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो अपने स्कूल को मैंने रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मैं खेलता रहा हूं, और स्पोर्ट्स बेस्ट पॉसिबल वे है कि अपनी बॉडी को फिट रखा जा सके। कोशिश रहती है, लेकिन आजकल क्योंकि स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, 31 लोग वहां पे 28 तारीख से आए हुए हैं, उनका ध्यान रखना है और अपना ध्यान भी रखना है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी पालन करने हैं और देश सेवा भी करनी है, ये भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनको जो बेस्ट पॉसिबल वहां फैसिलिटी है हम वो भी दे रहे हैं, और साथ में स्पोर्ट्स के अलावा मैं मेडिटेशन भी करता हूं। मेडिटेशन में मैं ध्यान करता हूं, थोड़ा योगा करता हूं, आज सुबह सुबह मैंने संजीवनी ध्यान किया। संजीवनी ध्यान में हम अपने बॉडी में पहले एनर्जी जागृत करते हैं, फिर एक शून्य की अवस्था प्राप्त करते हैं जिसमें कोई विचार नहीं होता, उस स्थिति में ही ध्यान पॉसिबल है। विचार चलते रहे तो ध्यान नहीं होगा, उसको ध्यान नहीं बोलते। डॉक्टर साहब, क्या ये सच्चाई है कि आप पीसी के अंपायर भी रह चुके हैं और आपके बेटा भी इसी लाइन में है? बिल्कुल सही बात है, मैंने काफी साल पीसी की अंपायरिंग की है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में, और लेकिन स्कूल में एज प्रिंसिपल होने की वजह से ज्यादा सम्मान नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि हमारी ड्यूटी पहले स्कूल के प्रति ज्यादा, लेकिन फिर भी कभी मौका मिलता है तो जरूर हम अंपायरिंग के लिए जाते हैं, और साथ में बेटा भी अंपायरिंग कर रहा है, वो तो आज की डेट में भी अंपायर है, लेकिन फिलहाल मैं पंजाब में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में एज ए रेफरी मैंने ट्रेनिंग करी है अभी रिसेंटली, तो लेकिन ड्यूटी अभी नहीं आई है, जब आएगी तो एज ए रेफरी अब ड्यूटी करूंगा, क्योंकि ग्राउंड में 8 घंटे खड़े होना मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ा टायरसम हो जाता है, तो बाहर बैठ के तो जरा हम कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने अपने आप को उनको कहा कि मेरी जो है वो ड्यूटी वहां से बदल कर मैच रेफरी के तौर पर लगा दी जाए, तो देखो आगे आने वाले समय में क्या होता है। शौक है अपना अपना, और शौक के तो शौकिया तौर पर जरूर हम ये करते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने एबीएन न्यूज चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद भी करते हैं और अपने दर्शकों को ये एडवाइस भी देते हैं कि जब हमारे न्यूज चैनल में या न्यूज रूम में ऐसे महान हस्ती आती हैं जो अपना जीवन के अद्भुत पलों को आपके साथ साझा करते हैं, तो आप उनके ऊपर जरूर अमल करें, और जाते जाते सर आपसे दो शब्द इस महामारी के बारे में कि लोगों को कैसे बचाव करना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, आपके द्वारा दी गई बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, तो दो शब्द कोरोना महामारी के ऊपर, तो इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? कोरोना महामारी के ऊपर बचाव करने का सीधा साधा उपाय है कि जो भी गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आते हैं, सरकार के जो भी हुक्म आते हैं, उनकी पालना की जाए। जैसे आजकल आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप बाहर जाते हैं किसी मजबूरी वजह से तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 मीटर का फासला रखें अपने और दूसरे के बीच में,
अपना मुंह ढककर रखे, हाथ बार बार धोए, बाहर से जाते हैं वापस घर आते हैं अपने कपड़े बदले, मुंह हाथ अच्छे से धोए, नहाना पॉसिबल हो तो साबुन से नहाए ताकि कोरोना की बीमारी से बचा जा सके। कोरोना की महामारी बहुत बड़ी है लेकिन इससे बचा जा सकता है, और सबसे बढ़िया उपाय यही है कि घर में भी आप कोई सामान बाहर से लाते हैं तो उसको, अगर वो पैकेट वाला है तो उसको अच्छे से साफ करें, साबुन से धो सके तो धोए, सब्जियां हैं वो अच्छे से धो सवार के बनाएं और अच्छे से बॉईल करके खाएं। कच्ची चीज ना खाएं, फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट को भी अच्छे से धोकर खाएं। कहने का मतलब है प्रिकॉशंस जो हैं, सावधानियां जो हैं, वो सही तरीका है इससे बचने का। तो अगर हम सावधानियां रखेंगे तो जरूर बचेंगे। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सावधानियों का पालन करें और इस महामारी से बचें। और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी घर पे रहकर पढ़ाई के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो जरूर करें। और क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई से अगर लिंक टूट जाता है 2-3 महीने 4 महीने तो सारी चीजें पीछे वाली भूल जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, बेशक लगातार ना पढ़े लेकिन दिन में 1-2 घंटे जरूर पढ़े जिससे पढ़ाई में मन लगा रहे और इस कोरोना से भी दूर हो सके। क्योंकि हर वक्त टीवी पे यही न्यूज चल रही है तो टेंशन आती है, स्ट्रेस आती है, परेशानियां आती हैं, क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा हटके कुछ करें, हटके करेंगे और अपने माँ बाप का कहना भी माने, उनको भी परेशान मत करें घर पे रहकर, आगे ही बहुत परेशानियां हैं, आप उनकी मदद करें जिस तरीके से भी कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद से ही हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एबीएन का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राजन छावड़ा जी का अपने एबीएन न्यूज चैनल के यहां पर पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और अपने एक अच्छे वक्तव्य को लोगों तक पहुंचाया, और उम्मीद करता हूं हमारे दर्शक इसके ऊपर अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।